क्या मर्डर किसने किया और किसने सुपारी दी, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? वसीम बिल्ला को 22 जनवरी रात को लगभग 10 बजे के आसपास नवसारी रूरल में जिम से वापस आ रहा था, अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी टाइम दो अननोन पर्सन आके उसके क्लोज रेंज में फायरिंग करके भाग गए थे। उसी इंजरी में वसीम बिल्ला उसी टाइम में वहीं मर गया था। उसके तपास हम लोग इमीडिएटली, मैं खुद विजिट किया था और SP सब लोग ऑफिसर्स विजिट किए थे और इमीडिएटली स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग दिशा में तपास शुरू किए थे। उसमें खास करके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों मिला के हम लोग एक आइडिया आया था इसमें राजस्थान के कोई हो सकते हैं, तो उस दिशा में हम ज़्यादा फोकस किए थे। उसमें पता चला कि जो बद्री है उसके खास आदमी एक मुस्तान, वो गलियाकोट में रहता है और सूरत में आता था, तो गलियाकोट के बारे में हम लोग ज़्यादा तपास में फिर अलग अलग टीम भेज के तपास कर रहे थे। उस तपास में हमें पता चला कि ये मुस्तान दो शूटर्स को, एक तो बांसवाड़ा का खुदबुद्दीन, दूसरा UP का एक शाकिब, इन दोनों को 2 महीने के पहले बुलाया था और 2 लाख रुपया दिया था। 10 लाख उन लोग से बात की थी और 2 लाख एडवांस देखे और उन दोनों को यहाँ सूरत में उधना में एक फ्लैट में खुद अरेंज करके उनका रखा था। और लास्ट 2 महीने ये लोग ये वसीम बिल्ला का जो मूवमेंट्स के ऊपर नज़र रखते थे, इनफैक्ट फॉलो वेरी क्लोजली ये दोनों उसको फॉलो भी करते थे। और इस एफर्ट्स के अंत में 22 तारीख रात को जब जिम से वापस आया उसी टाइम में नज़दीक जाके मार के ये लोग भागे थे, भागे दोनों मुंबई के तरफ से। और मुस्तान भी उसी रात को निकल गया, मुस्तान भी निकल गया, बद्री भी उसी रात को ये लोग अपने अपने घर से निकल गए थे। मुस्तान सीधा वहाँ से पाटन से गलियाकोट, गलियाकोट से मुंबई, मुंबई से फिर उड़ीसा गया था, उड़ीसा से उसका लास्ट लोकेशन आया था, उसके बाद फ़ोन वहीं छोड़ दिया था, फिर वो वापस अपने गलियाकोट में, उसके लगा कि अभी सेफ है, 1 वीक के बाद फिर वापस गलियाकोट में आके अपने फार्म हाउस में रहता था। और ये जो दो लोग शूटर्स हैं वो भी यहाँ से शूट करके मुंबई से फिर अपने एरिया में वापस चले गए थे। तो हम लोग मिले जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर वी वर्कड आउट, और पहले मुस्तान को पकड़े थे गलियाकोट से, मुस्तान के फ़ोन से उनको बाकी दोनों शूटर को बाकी पैसा लेने के लिए बुला के ट्रैप करके बाकी दो शूटर्स को पकड़े थे। और अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। रुपया अपेल से 10 लाख ने वात करेल से, एम आती 2 लाख अगौती एडवांस अपेल से, अने बाकीना पैसा पची आपने एने वात करेल से। इनफैक्ट हम लोग पहले मुस्ताने पकड़ेल से, मुस्ताने पकड़े बाद बने शूटर ने फोन थी बोलावा आवेल से तमारा बाकीना पैसा ले लो, ए रीते ट्रैप करीने ने बने शूटर ने पकड़वा। હવે મુસ્તાનને પૂછપરછ ચાલુ છે, મુસ્તાન કહે છે કે બદરી આવીને એક દિવસ આવીને ગલિયાકોટમાં રડતા હતા અને વાસીમથી ડર વ્યક્ત કરતા હતા, એના કારણે એ પોતાનો પરિવાર પણ દુબઈ ટ્રાન્સફર કરી દીધા. તો મુસ્તાન કહે છે કે બદરી સાથે લાંબા સમયથી મુસ્તાન રહેતા હતા, જેથી મુસ્તાન પોતે આ ડિસાઇડ કરેલ છે આ રીતે કરવાનું છે, પણ એ કેટલા શક્ય સત્ય છે તપાસ ઉપર ખબર પડશે.